अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। ओरिएंटल कॉलेज का वाशी में दीक्षांत समारोह, 450 छात्रों को बांटी गई डिग्रियां। वाशी के सिडको ऑडिटोरियम में सोमवार को ओरिएंटल कॉलेजों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां 450 छात्रों को LLB, BLS और मैनेजमेंट की डिग्री सर्टिफिकेट बांटे गए। समारोह में मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर, नवे मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय कुमार, OES के संस्थापक व पूर्व मंत्री प्रोफेसर जावेद खान एवं वसीम खान समेत शिक्षक और छात्र मौजूद थे। CP संजय कुमार ने छात्रों को डिग्री सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व उपकुलपति डॉक्टर मुंगेकर ने एजुकेशन सिस्टम में गुणात्मक सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अब केवल डिग्री से रोजगार या नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए कौशल्य प्रशिक्षण भी जरूरी होगा। ओरिएंटल एजुकेशन सोसाइटी के जितने इंस्टीट्यूट हैं उन सबका कन्वोकेशन था, और ये कन्वोकेशन बच्चों को जब स्कूल पास आउट करते हैं, कॉलेज पास आउट करते हैं, तो उस समय उनको आगे भविष्य में क्या करना है इसके बारे में दीक्षांत समारोह में एक दीक्षांत देते समय एक सजेशन या फिर एक आशीर्वाद के रूप में वरिष्ठ और जितने भी सीनियर हैं और अभी वाइस चांसलर, मुंबई के वाइस चांसलर, एक वाइस चांसलर आए हुए थे और लोग भी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे भाषण कहे, अपना विचार रखा। तो ये बेसिकली अभी जो नए युग के बच्चे हैं उनका भविष्य, उनको भविष्य में क्या करना है, कितना रिजिलियंट होने की ज़रूरत है। तो एक बार कोई हार जाता है तो हारने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रयास करते रहने की ज़रूरत है। आगे आने वाला भविष्य कितना डिफिकल्ट है, कितना चैलेंजिंग है, तो ये सूचना कन्वोकेशन पे जो वक्ता होते हैं, जो रिडिक्शन का जो ये लेक्चर देते हैं, उन्होंने दिया है। बहुत ही अच्छा माहौल है और सब बच्चों को एक बार कम से कम ग्रेजुएट होने के बाद जो एक डिग्री प्राप्त होने की जो उत्सुकता रहती है वो थी, और दैट इज़ ए ग्रेट। बम्बई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने के नाते कॉन्वोकेशन फंक्शन अटेंड करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक फंक्शन होता है। आज जो फंक्शन हुआ वो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर जावेद खान ने स्थापना की, और उनमें वो सब उनके जो कॉलेजेस मिलके जो है ग्रुप ऑफ ओरिएंटल कॉलेजेस, उसमें कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर टेकिंग एजुकेशन। तो आज का जो कॉन्वोकेशन फंक्शन था उसमें 450 लड़के और लड़कियां, छात्रों छात्रियां दोनों को डिग्री देने का आज काम हो गया, और उसके बारे में मैं बहुत संतोष व्यक्त करता हूँ। डिग्री हासिल करना ये अभिनंदनीय बात है, एक अच्छी बात है, गौरवपूर्ण बात है। आत्मपर निर्भर होने के लिए, अपने खुद पैरों पर खड़े होने के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसी स्थिति है। 35% BA, BCom और BSc जो ग्रेजुएट्स है वो अनएम्प्लॉयबल है। 57% इंजीनियर्स जो है वो अनएम्प्लॉयबल है, और ख़ास करके ओनली 18% पॉलिटेक्निक के जो लड़के जो है वो अनएम्प्लॉयबल है। इसका मतलब यह है BA, BCom, BSc, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इससे पॉलिटेक्निक का जो लड़के जो काम करते हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस, ये लड़कों को नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि डिग्री मिलने के बाद कोई ना कोई डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स उन लोगों ने करना चाहिए।
इस अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों का नेटवर्क खड़ा करने वाले शिक्षण महर्षि प्रोफेसर जावेद खान ने जहां सैकड़ों छात्रों की सफलता और दीक्षांत पर खुशी जाहिर की, वहीं कौशल्य प्रशिक्षण प्रारंभ करने की भी मंशा जताई। तकरीबन 700 लोगों को डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के सर्टिफिकेट दिए गए और ये खाली नवी मुंबई के कॉलेजेस के हैं और ये बहुत सचमुच एक खुशी की बात है जो मैंने सादगी के लोगों से कि मेहनत आदमी करे और समाज के लिए काम करने के लिए कोशिश करे तो संभव है। ये हर बच्चे को जो आज डिग्री लेकर के गया है कल समाज का जिम्मेदार शहरी बनेगा, मगर उसको आज से बेहतर समाज बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। मैं वाकई बहुत खुश हूँ और ऐसे दो और कन्वोकेशन मेरे बम्बई में होने वाले हैं। ये तो नई बम्बई का ही था, मगर मैं वाकई खुश हूँ कि एक आदमी अपनी जात से पिछले कुछ सालों में ही जो काम शुरू किया था उससे हज़ारों लोग जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल और समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ कई छात्रों ने भी अपने दीक्षांत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त का उन्हें इंतजार था वो आ गया, इसकी उन्हें बेहद खुशी है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसी मूवमेंट का वेट था। सभी कैसे लग सभी एजुकेशन और सभी को पता है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कॉन्फिडेंस देता है सोसाइटी में स्टैंड करने का। ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अभी है एक कॉन्फिडेंस आ गया है जो हम डिग्री मिल गई है। फाइनली कहा जाए तो तीन साल पूरा हार्डवर्क किया है इस डिग्री के लिए और बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा हार्डवर्क इस डिग्री के पीछे लगा है और फाइनली बहुत खुशी हो रही है। आज ये डिग्री फाइनली मिली है, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इसी दिन का मैंने बचपन से वेट किया था कि यार मैं भी कुछ करूँ और मेरा सपना था डेवलपर बनने का और मैं आगे चल के वो ज़रूर करूँगी डेवलपर बनने का और अपने फैमिली को प्राउड करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस सर्टिफिकेट एंड वेटिंग फॉर दिस ओनली। आज हम लोग को फाइनली कॉन्वोकेशन की डिग्री मिली है 3 साल की मेहनत के बाद और हम लोग के पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स ने बहुत मेहनत की हम लोग पे, इसके बाद हमें ये डिग्री मिली है। नेक्स्ट हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं आईटी में स्कोप है, इसलिए आईटी में फ्यूचर डिसाइड किया है हम लोगों ने। फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रही हूँ और मास्टर्स भी कर रही हूँ। सो मेरा मोस्ट ऑफ द कि आईटी में भी मिले और गवर्नमेंट में भी मिले, ऐसा मेरा प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।